वेलकम टू एमडी टेक। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मी नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स के कुछ फीचर्स के बारे में, और इसको कंपेयर करेंगे हमारे मी वॉच ब्लूटूथ ईयरफोन्स बेसिक से, और जानेंगे कि क्या है, कौन ज़्यादा बेटर है और कौन आपको बाय करना है। सो गाइस, ये है हमारा मी नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स। और सबसे पहले बात करें अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका नेक बैंड है ये आपका प्लास्टिक का है, प्लस आपको इस पर एक रबर की कोटिंग मिल जाती है जो बहुत ही लाइट वेट है। और इसका एक्चुअल वेट जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 13.5 ग्राम के अराउंड का है। और साथ ही आपको इस पर मिल जाती है यहाँ पर मैग्नेटिक ईयरबड, जो Xiaomi की तरफ से सबसे पहली बार लॉन्च हुई है अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स में। और अगर बात करें इसके वायर्स की, तो इसके वायर्स से आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से एक्सट्रीम राइट एंड पे अपने हेड को टर्न करेंगे, तब भी आपको ये इसके जो ईयर प्लग्स है वो आपके ईयर से नहीं निकलेंगे, जो कि मोस्टली नेक बैंड्स में निकल जाते, जैसे कि सैमसंग की लेवल यू में अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको उसमें निकल जाएंगे आपके ईयरबड्स, आपके ईयर से निकल जाएंगे। अब बात करें इससे कनेक्टिविटी की, तो आपको इसमें मिल जाएगी ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी। और साथ ही में आपको इसकी जो रेंज है, आपको इसकी रेंज जो है वो आपको 10 मीटर्स की मिलेगी। और अगर हम इसकी बात कंपेयर करें हमारे मी के जो पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन्स है उससे, तो आपको दोनों के प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सेम है। मी के स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन्स आपको मिलते हैं 1499 में, और आपको जो मी नेक बैंड्स आपको मिल जाएंगे 1599 में। सो ज़्यादा मत डिफरेंस नहीं है। और साथ ही अब आप इसकी रेंज की बात करें, तो दोनों की रेंज 10 मीटर्स है, जबकि आपको मी स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स में आपको ब्लूटूथ 4.1 मिलती है, और मी नेकबैंड में ब्लूटूथ 5.0 मिलती है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है Xiaomi मी की तरफ से। और अब बात करें अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसमें आप जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्योर वायर है, जो कि एक एडवांटेज है आपको मी नेकबैंड ईयरफोन्स के लिए, जो कि ये बहुत लाइट वेट फील होता है और ये कंफर्टेबल रहता है जब आप इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो आपको इसमें SPC कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा, जो क्योंकि आपको स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन में मिल जाती है, और ऑलमोस्ट एवरी ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस में मिल जाएगी, जिसमें जो ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस है उसमें आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो आपको इसमें 8 आवर्स की प्लेबैक टाइम मिल जाती है, जबकि आपको मी स्पोर्ट ब्लूटूथ के ईयरफोन्स में आपको 9 आवर्स की प्लेबैक टाइम मिल जाएगी। पर जब आप प्ले करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों की प्लेबैक टाइम सेम रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिर अब बात करते हैं अगर इसके बेस और ट्रेबल के ये सब फीचर्स के बारे में, तो आपको इस मी स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स में हाई बेस मिल जाएगा, जो कि बेस लवर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ था, और जबकि जो नेकबैंड ईयरफोन्स है उसमें आपको डायनेमिक बेस मिलती है, जो कि नॉर्मल म्यूजिक लवर्स या नॉर्मल यूजर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो मी नेकबैंड ईयरफोन है उसमें बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये वाटरप्रूफ और स्प्लैश प्रूफ नहीं है, जबकि आपका जितने भी ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस हैं के उसमें सारे में सारे के सारे स्प्लैश प्रूफ और वाटरप्रूफ है। तो ये डिसएडवांटेज है मी नेकबैंड ईयरफोन्स के लिए। और साथ ही साथ आप इसको पहन के आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। सो ये थे इसके सारे फीचर्स। अब इन सब फीचर्स के लिए कुछ प्राइस होनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, तो आपको जो मी नेकबैंड ईयरफोन्स है वो आपको मिलते हैं ₹1599 पे, और ये आपको mi.com, Flipkart और मी होम्स और मी स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हो।
रहेंगे, जबकि आपको जो मी स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स है वो आपको 100 रुपीज कम यानी 49.99 में मिलते हैं। तो अब हम लोग इसकी पूरी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। तो आपको मी स्पोर्ट्स ईयरफोन्स में आपको मिल जाएगी ब्लूटूथ 4.1 की कनेक्टिविटी, जबकि आपको नेकबैंड में मिलती है ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी। मी स्पोर्ट्स ईयरफोन्स में आपको मिलेगी 9 आवर्स की बैटरी लाइफ, जबकि आपको नेकबैंड में आपको मिलेगी 8 आवर्स की बैटरी लाइफ। जो मी स्पोर्ट्स ईयरफोन्स है वो आपको स्प्लैश रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट है, जो कि मी नेकबैंड में आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर दोनों की रेंज आपको 10 मीटर्स की मिल जाती है। जब आपकी मी स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन्स की प्राइस जो है वह ₹1499 है, जबकि मी नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स की प्राइस आपको 1599 मिल जाएगी। तो जो मेरा फाइनल ओपिनियन है दोनों के कंपैरिजन के बाद कि आपको कौन सा बाइक करना चाहिए, अगर आप एक बेस लवर है और तो आप ज़रूर जाइए मी स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन्स के लिए, अगर आप नॉर्मल यूज़र है तो आप मी नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स के लिए जा सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी दोनों की कंपैरिजन वीडियो, होप आपको ये कंपैरिजन अच्छी लगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस, अनबॉक्सिंग और रिव्यूज मिलते रहे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।